हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो साइंस बाय दीपक में। आज मैं आपको एंगल बनाना सिखाऊंगा, जिसके लिए कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जानना जरूरी है, जो कि लाइन क्या होता है, रे क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है और एंगल होता क्या है। तो लाइन के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें कोई भी इंड पॉइंट नहीं होता है और इसको किसी भी लेंथ तक बढ़ाया जा सकता है। यानी कि इट हैज नो इंड पॉइंट एंड इट कैन बी एक्सटेंडेड इंडलेसली। यानी कि लाइन का कोई भी इंड पॉइंट नहीं होता है, जैसे कि, और इसमें दोनों तरफ एरो का साइन होता है। तो ये हो गया लाइन जिसमें इंड पॉइंट नहीं है और इसका लेंथ जो है वो डेफिनेट नहीं होता है। यानी कि इसको इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ इसको बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। जबकि रे क्या होता है कि इसका एक इंड पॉइंट होता है, एक फिक्स पॉइंट होता है और दूसरा जो इसका छोर होता है वो फिक्स नहीं होता है। यानी कि वो दूसरे दूसरे तरफ वो आगे की ओर इंडलेसली यानी इन्फाइनाइट तक वो बढ़ सकता है, जबकि इसका एक तरफ इसका इंड पॉइंट होता है, एक फिक्स पॉइंट होता है। तो ये रे हो गया और इसका ये कहलाता है ओरिजिन पॉइंट। ये इसका ओरिजिन पॉइंट हो गया और एक तरफ इसका एरो का साइन होता है, जो कि ये दर्शाता है कि ये इस तरफ इनफाइनाइट तक आगे बढ़ सकता है और इसका भी लेंथ फिक्स नहीं होता है। जबकि लाइन सेगमेंट में दो इंड पॉइंट होता है और इसमें एक भी तरफ एरो का निशान नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि इसका लेंथ फिक्स है, इसको बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता है और इसका लेंथ जो है वो डेफिनेट होता है। यानी कि अगर हम 5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट खींचना चाहते हैं तो 5 सेंटीमीटर का ही रहेगा, उसको बढ़ाया घटा नहीं सकते हैं। जबकि रे का लेंथ फिक्स नहीं होता है और लाइन का भी लेंथ फिक्स नहीं होता है, इसको बढ़ा सकते हैं। और पॉज कर दो। तो चलिए हम एंगल के बारे में बताते हैं। एंगल क्या होता है? तो एंगल वो इंक्लिनेशन है, यानी दो रेज के बीच का जो इंक्लिनेशन होता है। इंक्लिनेशन ऑफ टू रेज विच आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट। यानी कहने का मतलब है कि दो रे जिसका एक ओरिजिन होता है, यानी एक पॉइंट से ये ओरिजिन होता है। जैसे कि एक मैंने ड्रॉ किया एक लाइन इधर से और एक लाइन ऐसे, तो एक ये पॉइंट है जिसका नाम है ओ। तो ओ से ये ओरिजिनेट होकर के दो रे यहाँ से निकला है, एक हो गया इस तरफ से और एक हो गया ये, इसका नाम हम अगर दे देते हैं ओ ए और ओ बी। तो ये दोनों रे है जिसका एक ओरिजिन पॉइंट है, एक कॉमन पॉइंट है और यहाँ से ये ओरिजिन हुआ है। तो इन दोनों के बीच का जो इंक्लिनेशन होता है, जो झुकाव होता है, वही क्या कहलाता है? एंगल कहलाता है। तो यानी कि ये जो एंगल का नाम हो गया वो हो गया एंगल ए ओ बी, ठीक है। और इसका कुछ मेजरमेंट होता है जिसको हम प्रोट्रेक्टर की हेल्प से मेजर कर सकते हैं। तो चलिए हम एंगल बनाना सीखते हैं। एंगल बनाने से पहले थोड़ा सा एंगल बाईसेक्टर के बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा कि एंगल बाईसेक्टर क्या होता है। जैसे कि कोई भी एंगल ड्रॉ किया हुआ है जो हम ड्रॉ कर लेते हैं और हमें पता नहीं है कि ये कौन सा कितने डिग्री का एंगल है और इसको बाईसेक्ट करना है। तो बाईसेक्ट करने का मतलब होता है कि इसको दो बराबर भागों में बांटना। यानी एंगल बाईसेक्टर का मतलब हो गया कि किसी भी एंगल को दो बराबर भागों में बांटने वाला जो लाइन होगा वही क्या कहलाएगा? एंगल बाईसेक्टर कहलाएगा। अब ये जो एंगल है इन दोनों के बीच का एंगल, तो ये कितने डिग्री का ये मालूम नहीं है, लेकिन इसको बाईसेक्ट करना है। तो क्या करेंगे कि एक कंपास लेंगे और कंपास में पेंसिल अच्छे से लगा करके और इसको कितना भी सेंटीमीटर का इसका हम आर्क ले सकते हैं और इसको ओरिजिन पे इसके निब को रख करके और इसको और रख करके इसको फिर हम और यहाँ से कितना भी सेंटीमीटर का हो सकता है बड़ा या छोटा, इसको यहाँ से ऐसे एक आर्क ले लेंगे और ये आर्क दोनों आर्म को, ये दोनों इसका आर्म कहलाता है,
और ये दोनों आर्म को जहाँ पे कट करता है उसको एक पॉइंट से इंडिकेट कर देंगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट, और ये दोनों पॉइंट से, ये दोनों पॉइंट से सेम लेंथ का आर्क ड्रॉ कर देते हैं। तो ये मैंने आर्क ड्रॉ कर दिया एक पॉइंट इधर से, और इस पॉइंट से भी उतने ही लेंथ का आर्क ड्रॉ करना होगा, छोटा या बड़ा नहीं कर सकते हैं, उससे गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे ये दोनों जहाँ पे ज्वाइन कट किया इसको एक पॉइंट से इंडिकेट कर लेंगे, और इस वाले पॉइंट को एंगल के वर्टेक्स से ज्वाइन करा लेंगे। तो ये मेरा जो लाइन होगा या फिर रे होगा ये क्या कहलाएगा, ये इस जो एंगल था पहले का उस एंगल का एंगल बाइसेक्टर कहलाएगा, यानी कि पहले जितना एंगल था जितना डिग्री का उसका ये हाफ हो जाएगा। तो जैसे कि अब मैं बताना चाहता हूं आपको 60 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं, जो कि एंगल बनाने के लिए मेन इम्पोर्टेंट होता है। 60 डिग्री के एंगल उसको बनाने के लिए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे स्केल के हेल्प से, और लाइन ड्रॉ करने के बाद कहीं पर भी एक पॉइंट दे देना है, वही क्या होगा उस एंगल का जितना डिग्री का एंगल बना रहे हैं हम उसका वर्टेक्स हो जाएगा। और उसके बाद कंपास को यहाँ पे रख करके और पेंसिल को चारों तरफ से घुमा देते हैं, ये ऐसे हम घुमा देते हैं, इसको कितना भी ले सकते हैं। और उसके बाद जितना सेंटीमीटर का ये हम चाप लिए हैं, ये जितना सेंटीमीटर का चाप है उतना ही सेंटीमीटर का, अब इसको छोटा या बड़ा नहीं करना है, उतना ही सेंटीमीटर का अगर हम इस पॉइंट से जो यहाँ पे कट किया है इस पॉइंट से अगर हम लेते हैं एक चाप, तो एक चाप जो है एक आर्क बराबर किया होता है 60 डिग्री होता है। एक आर्क जो यहाँ से यहाँ तक हम लिए वो होता है 60 डिग्री। अब इसी पे सारा एंगल बनेगा मेरा, 60 डिग्री हो, 120 डिग्री हो, 30 डिग्री, 45, 90 डिग्री, जितना भी एंगल बनेगा वो सारा इसी पे बनेगा, इसी कर्व लाइन पे बनेगा। तो एक चाप हम लिए तो ये हो गया 60 डिग्री, यानी कि अगर हम दो चाप लेते हैं यहाँ से, दूसरा चाप अगर हम लेते हैं इसको इंडिकेट करके, यहाँ से अगर हम दूसरा चाप लेते हैं तो 60 प्लस 60 मेरा हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 120 डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 डिग्री, और 0 डिग्री से लेकर के ये हो जाएगा 120 डिग्री तक, ये हो गया 60, ये हो गया 120। और अगर हम यहाँ से अगर ये दूसरा चाप हम लेते तो ये हो जाता 180 डिग्री का, जो कि अगर हम इसको यहाँ से मिलाएंगे तो ये मिलेगा मेरा 180 डिग्री का, यहाँ से ये हो जाता 180 डिग्री का, जो कि स्ट्रेट लाइन होता है 180 डिग्री। तो ये 60 हो गया, एक चाप बराबर 60 डिग्री होता है, दूसरा चाप अगर लेंगे तो हो जाएगा टोटल 120 डिग्री। तो 60 डिग्री का एंगल मेरा बन गया है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देंगे जो कि एंगल का वर्टेक्स होगा, तो ये जो मेरा एंगल ऑब्टेन होगा वो 60 डिग्री का हो जाएगा। तो जब हम इसको मिला देते हैं ये मेरा 60 डिग्री का एंगल, इसको बढ़िया से ज्वाइन कर लेना है, ये मेरा 60 डिग्री का एंगल बन करके तैयार हो गया। यानी कि एक चाप जितना सेंटीमीटर का चाप हम ये लेंगे जितना सेंटीमीटर का, उतना ही सेंटीमीटर का हमको यहाँ से लेना होगा, यानी कि इसको चाप को बढ़ाना या घटाना नहीं होगा। तो ये हो जाएगा 60 डिग्री का। अब मैंने एंगल बाइसेक्टर बनाना सिखाया है, तो यानी कि अगर हम 60 डिग्री को हाफ कर देते हैं यानी बाइसेक्ट कर देते हैं तो मेरा कितना डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री का। तो अगर 30 डिग्री का बनाना होता तो क्या करते हम, 60 डिग्री का हाफ कर देंगे तो 30 डिग्री हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले ये 60 डिग्री का हम बना दिए हैं तो 120 डिग्री का भी हम दिखा देते हैं, यहाँ से इसको हम ज्वाइन कर देंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 120 डिग्री का हो जाएगा। तो ये यहाँ से इसको हम ये हो जाएगा 120 डिग्री का, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज अगर हम लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 120 डिग्री का, और ये मेरा 60 डिग्री का था। अब हम 30 डिग्री जैसा कि यहाँ पे लिख दिए हैं हम 30 डिग्री का एंगल बनाने के लिए, तो 30 डिग्री का मतलब हुआ कि 60 डिग्री का हाफ। तो 60 डिग्री का जो एंगल हो गया इसको अगर हमको 30 डिग्री बनाना होगा तो क्या करेंगे, इसको बाइसेक्ट करेंगे। इसमें हम दिखा चुके हैं कि बाइसेक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी हम बाइसेक्ट कर देंगे, तो
बाइसेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से जो लाइन यहाँ से आर्क ड्रॉ करते हैं, तो आर्क तो पहले से ड्रॉ किया हुआ है, अब इस पॉइंट से और इस पॉइंट से दोनों पॉइंट से एक सेम लेंथ का आर्क हमको ले लेना होगा, सेम रेडियस का हमको आर्क ले लेना होगा। तो यहाँ से हम एक आर्क लिए और उसी तरह से यहाँ से भी एक आर्क लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम आर्क ले लिए हैं, दूसरा आर्क जो कि कहाँ पे कट किया है, इस पॉइंट पे कट किया है, इस पॉइंट को पेंसिल से इंडिकेट कर देंगे और उसके बाद इसके वर्टेक्स से इस वाले पॉइंट को हम मिला देंगे। स्केल को बढ़िया से रख करके ये हम मिला दिए, ये ज्वाइन कर दिए, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री का और पूरा कितना था 60 डिग्री का। तो इसका भी अगर हाफ कर लेंगे तो 15 डिग्री का बनेगा, उसका भी अगर हाफ करेंगे तो 7.5 डिग्री का बनेगा, ठीक है। जैसे कि हम अगर हम 15 डिग्री का बनाना चाहें तो ये हो गया मेरा यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री, और इसका अगर हम हाफ कर देते हैं तो हो जाएगा 15 डिग्री का। तो चलिए हम 15 डिग्री का बना करके आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ से हम आर्क लिए हैं, सेम रेडियस का आर्क हमको लेना होगा यहाँ से भी, तो यहाँ से भी आर्क लिए और जहाँ पे कट किया उस वाले पॉइंट को हम एंगल के वर्टेक्स से मिला देंगे। तो जो मेरा लाइन आएगा वो 30 का एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा, जो कि कितना डिग्री हो जाएगा, 15 डिग्री, यानी कि यहाँ से यहाँ तक मेरा जो हो गया एंगल वो 15 डिग्री का, ये एंगल हो गया 15 डिग्री का। उसी तरह से अगर हमको बनाना है 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री क्या होता है, 60 + 30 होता है 90 डिग्री, तो 60 डिग्री मेरा पहले से बना हुआ है, यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, और 60 डिग्री के बाद अगर हम 30 डिग्री और हम आगे बढ़ा दें तो 60 + 30 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। लेकिन 30 बढ़ाएंगे कैसे, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक तो 120 है, लेकिन यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, 60 डिग्री है, तो इसको अगर हम हाफ कर दें तो 30 मेरा मिल जाएगा, तो 60 + 30 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। तो चलिए हम इसको बाइसेक्ट कर देते हैं, इसका हम आधा कर देते हैं। तो आधा करने के लिए हम बता चुके हैं कि सेम रेडियस का आर्क लेना होगा दोनों पॉइंट से, जो कि हम ले लेते हैं, यहाँ से भी एक आर्क हम ड्रॉ कर लेते हैं, और ये देखिए यहाँ पे कट किया है, तो इस वाले पॉइंट को इसके वर्टेक्स से ज्वाइन करा देंगे, तो ये जो मेरा बन करके आएगा एंगल कितना डिग्री का आएगा, 90 डिग्री का, यानी कि ये मेरा एंगल हो गया 90 डिग्री का, ठीक है। तो उसी तरह से जितना भी डिग्री का बोले, जैसे कि अगर बोलता है 75 डिग्री का, तो 75 डिग्री होता है 60 + 15 होता है, यानी कि यहाँ से ये जीरो से हो गया ये 60 डिग्री, प्लस 15 और चाहिए, तो प्लस 15 के लिए इसको, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक मेरा 30 है, तो 30 का अगर आधा कर देंगे तो 15 मिल जाएगा, है ना, तो 15 मिल जाएगा, तो 60 + 15 हो जाएगा 75 डिग्री का। जैसे कि ये था यहाँ से यहाँ तक 60 + 30 90 था, तो यहाँ से यहाँ तक 60 + अगर हम 15 कर देंगे तो 75 डिग्री का बन जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, आधा कर देंगे, ये मेरा यहाँ से यहाँ तक 30 है, तो इसको आधा करेंगे, आधा करने के लिए यहाँ से जितना सेंटीमीटर का आर्क, जितना रेडियस का आर्क लेंगे उतना ही रेडियस का हमको आर्क यहाँ से भी लेना होगा। तो इस तरह से मेरा ये बाइसेक्ट हो जाएगा और इस वाले पॉइंट को इससे मिला देंगे हम। तो अब देखिए ये जो मेरा एंगल बन करके आया यहाँ से यहाँ तक, वो कितना हो जाएगा, 75 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि ये 60 है और ये 15 है, तो मिलकर के यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना हो जाएगा, 75 डिग्री का हो जाएगा। तो जितना भी डिग्री का बोले, जैसे कि 7.5 का अगर मल्टीपल, 7.5 डिग्री का अगर वो मल्टीपल है, तो उसको हम कंपास की हेल्प से बना सकते हैं, सारे एंगल को हम कंपास की हेल्प से नहीं बना सकते। जैसे कि 100 डिग्री का अगर बोले तो हम कंपास की हेल्प से नहीं बना सकते हैं, उसको प्रोटेक्टर से बनाना होगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम अलग अलग बना करके दिखाते हैं। जैसे कि अगर 30 डिग्री का बोले तो हम कैसे बनाएंगे, इतना बनाना होगा क्या, इतना नहीं बनाना होगा। इसके लिए क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करके, जैसे हम यहाँ पे ड्रॉ कर लिए हैं और लाइन ड्रॉ करके उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट दे दिए, और पॉइंट देने के बाद यहाँ से एक कितना भी रेडियस का एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे। तो चलिए हम आर्क ड्रॉ कर लिए हैं,
अब हम बताए थे कि एक चाप यानी कि यहाँ से एक आर्क अगर हम लेते हैं तो 60 डिग्री बनाएगा और हमको चाहिए 30 डिग्री का, तो 60 डिग्री का हम इसको लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे। क्या करेंगे हम, यहाँ से यहाँ तक टोटल 60 है तो इसको आधा करेंगे, और आधा करने के लिए हम बताए हैं इसको बाइसेक्ट करना कैसे करना है। तो यहाँ से एक आर्क लेंगे, तो जितना रेडियस का आर्क लिए हैं इधर से उतना ही रेडियस का आर्क इधर से लेंगे। इसका मतलब है कि इसको बढ़ाना घटाना नहीं है। अब हम ये ले लिए और जहाँ पे कट किया है उसको हम ज्वाइन कर देंगे, तो ये मेरा 30 डिग्री का एंगल मेरा अलग से बन गया है। तो ये जो मेरा एंगल है वो तो कितना है 30 डिग्री का, जितना भी डिग्री का बोलेगा। अगर बोलेगा 45 डिग्री का एंगल बनाने के लिए तो क्या करेंगे, सबसे पहले 90 बना लेंगे और 90 का हम हाफ कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 45 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो उसके लिए एक हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिए और एक हो गया ये ओरिजिन, और ओरिजिन से हम ले लेंगे एक आर्क, और आर्क लेने के बाद हमको बनाना होगा 90 डिग्री का एंगल। तो 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हम बता चुके हैं कि यहाँ से आर्क लेंगे, ये हो जाएगा 60, और 60 के बाद और 60 लेंगे तो हो जाएगा टोटल 120। और क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक 60 है तो 60 का हाफ करेंगे तो मेरा मिलेगा 30। तो ये देखिए इसको हम हाफ कर लिए, तो ये हम देख लेंगे कि ये जो मेरा आर्क बना हुआ था इस पे कहाँ पे कट कर रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे कट कर रहा है, यानी कि ये 0 डिग्री से ये कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब 90 का हमको हाफ करना है, तो हाफ करने के लिए 0 से और 90 से क्या लेना होगा, सेम रेडियस का हमको आर्क लेना होगा। तो ये देखिए इतना बड़ा हम इसको कर लिए हैं ताकि आर्क लेने में आसानी हो जाए, और यहाँ से इसको ड्रॉ कर लिए, और यहाँ से भी हमको ड्रॉ करना होगा। तो चलिए हम इसको ड्रॉ कर लिए, और ड्रॉ करने के बाद दोनों आर्क जहाँ पे कट करता है इसको क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, तो कितना डिग्री का बन जाएगा, 45 डिग्री का बन जाएगा, क्योंकि हम 90 का हाफ किए हैं। ये मेरा 90 था और 90 का हम हाफ किए हैं, तो कितना डिग्री का मिला, 45 डिग्री का मिल गया। तो जितना भी डिग्री का बनाना होगा वो हम बना सकते हैं इसमें।